हेलो गाइस, दिस इज संग्राम चोगले और आज आपके सामने फिर से आए हुए एक नए वीडियो लेके। आज आपको बताऊंगा मैं हाउ टू ग्रो योर बाइसेप्स। यानी बहुत सारे बाइसेप्स की वीडियोस हैं, बट मैं आज आपको कुछ ऐसे वर्कआउट बताऊंगा जिससे आपके बाइसेप्स जल्दी ग्रो हो सके। और कंप्लीट बाइसेप की ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्रंट साइज, लैटरल मतलब बाजू वाला और आउटर एंड इनसाइड ऑल्सो। मोस्ट टाइम लोग क्या करते हैं कि एक ही जगह पे ट्रेनिंग करते हैं, जैसे बारबेल के साथ, उसमें मोस्टली आउटर बाइसेप्स और ये सामने वाले बाइसेप्स ट्रेन होते हैं। ये पोर्शन वीक रह जाता है, इसलिए आपके बाइसेप्स ओवरऑल वीक दिखते नहीं है और आपका विड्थ भी नहीं बढ़ते। सो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स इन द सेट्स बताऊंगा, उसे फॉलो करके आप अपने बाइसेप को ओवरऑल ग्रो कर सकते हो। बट नॉट ओनली विथ वर्कआउट, विथ डाइट एंड आपके रेस्ट के साथ, मतलब रेस्ट भी जरूरी है। सिर्फ वर्कआउट आपका रहेगा अच्छा तो आपके बाइसेप्स या फिर कौन से भी मसल पार्ट डेवलप नहीं होगा। इसमें आपका डाइट और रेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज़ें बीच बीच में मैं बताते जाऊँगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ पता चले। सो लेट्स स्टार्ट आर फर्स्ट वर्कआउट। हर एक की जिम में इजर्ड बार रहता है। इजर्ड बार को हम तीन सेट में डिवाइड करेंगे आज, क्योंकि इजर्ड बार मेरा फेवरेट है। मैं जो फ्लैट बार रहता है लंबा, उसके साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ ज़्यादा ट्विस्ट बार के साइड में होते नहीं है। सो इजर्ड बार मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें आपको बताऊंगा मैं कि तीन वेरिएशन इसमें करने हैं और बाकी आपको वेरिएशन रहेंगे डंबल के साथ। सो स्टार्ट करेंगे पहला वेरिएशन। आपको बारबेल पकड़ना है सबसे एंड में। वहां पे क्या होता है कि आपके जो हाथ है रिस्ट, वो आपके शोल्डर के बाहर है। इस ग्रिप से क्या होता है, आपको आपके इनर बाइसेप पे ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होता है और वहां का मसल ज्यादा ब्रेकडाउन होगा, और जहां पे मसल ब्रेकडाउन होता है वहां पे डाइट एंड रेस्ट के बाद मसल की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। सो लेट्स चेक इट आउट। इसको आपके करने हैं तीन सेट्स, जिसके आपके नंबर ऑफ सेट्स रहेंगे तीन और जिसके आपके रिपीटेशन रहेंगे 12 के 15 के बीच में। 12 से पहले भी कम भी मत करो, या फिर आप 10 कर सकते हो, 10 के 15 के बीच में। सो अगर आपका वेट कम है 10 कर सकते हो। वेट कभी कभी ज़्यादा होने के बाद भी आप रिपीटेशन उतनी मार सकते हो। सो कंटिन्यू करो 10 के 15 के बीच में, ठीक है। तो अपना सेकेंड सेट रहेगा सेम बारबेल पे, ये आपका रेगुलर ग्रिप जो सबसे आसान एंड द बेस्ट ग्रिप रहती है। इसमें आपके हाथ सुपाइन पोजिशन में रहते हैं, सो मूवमेंट करने में बहुत ज्यादा इजी रहते हैं। इस सेट में आपका फ्रंट का बाइसेप ज्यादा इग्नोर होता है और आपके बाहर के बाइसेप बाइसेप ब्रैचलॉइड्स। ठीक है। सो जब आप नॉर्मल ग्रिप पकड़ते हो तो आपका ये सामने वाला पोर्शन बाइसेप का और बाहर के, तो यहां पे मेजरली हो जाएगा और यहां पे थोड़ा सा, यहां पे उससे भी बहुत कम। फर्स्ट सेट जो किया था उसमें आपके मैक्सिमम इनर बाइसेप पे आ जाएगा, सेकेंड पे आपके फ्रंट और बाहर का साइड, बट थोड़ा सा। अब हम ट्रेन करेंगे अपना बाहर का बाइसेप, यानी आउटर बाइसेप या फिर यू कैन से ब्रैचलॉइड्स। वो करना है सबसे अंदर वाली ग्रिप, देन सेम मूवमेंट जब लिफ्ट करोगे ब्रीथ आउट। So, आज आपको मैं इसमें बताऊंगा कि इसे करना कैसे है। फर्स्ट सेट अपना हो गया वाइड, देन मिडल ग्रिप, देन सबसे अंदर वाला ग्रिप। इसके आपको करने हैं 7 7 7,
यानी 7 रिपीटेशन आपको बाहर पकड़ के, सेम टाइम पे 7 रिपीटेशन आपको अंदर पकड़ के, 7 रिपीटेशन आपके हो जाएंगे सबसे अंदर पकड़ के। सो एक ही सेट में आपका इनर, फ्रंट और आउटर तीनों भी बाइसेप के मसल ट्रेन हो जाएंगे। बाइसेप में एक्चुअली रहते हैं दो ही मसल, इसलिए उसको बाय बोलते हैं, बट मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ अंदर वाला सामने वाला पोर्शन और ये बाहर वाला पोर्शन। सो 21 रिपीटेशन का आपका हो जाएगा एक सेट, ऐसे आपको करने हैं 3 सेट, ठीक है। सो कंफ्यूजन करके मत लेना, बाहर के साइड के 7 रिपीटेशन, अंदर के 7, एकदम क्लोज 7, ये होगा एक। सो ऐसे आपको करने हैं 3 सेट्स। सो गाइस, इस वीडियो में जहां मैं आपको बेस्ट वर्कआउट रूटीन बताते जा रहा हूं, उसको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं, उसके साथ आपको ये भी कहना चाहूंगा कि विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन मसल बिल्डअप करना एंड स्टैमिना बिल्डअप करना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी के कंडीशन में इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपने बॉडी में, यानी स्पेशली मेंस की बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल रहता है उसका कम होना। और स्पेशली आज के टाइम में, मतलब जैसे पेंडेमिक चल रहा है, कोविड सिचुएशन है, तो इसमें क्या हो रहा है कि वर्क का लोड बहुत ज्यादा है, देन लोगों को काम नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है घर में, बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है, देन बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, और स्ट्रेस इज द मेजर रीजन बिहाइंड अपनी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने के लिए। और अगर आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आपकी मसल बिल्डिंग एंड आपका स्टेमिना ग्रो करना इट्स नॉट पॉसिबल। और दूसरा रीजन क्या है कि अफ्टर 30 मेल्स का टेस्ट लेवल ड्रॉप होना चालू हो जाता है, एजिंग इफेक्ट दिखने लगते हैं, और बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन टेस्टोस्टेरोन लेवल अपनी सेक्सुअल लाइफ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। सो हम अभी बात करते हैं कि हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली, वो भी 100% नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका एक सोल्यूशन मिलता है हमें आयुर्वेदिक की एक बहुत ही अच्छी सब्सटेंस है, जो मिलता है हमें हिमालय की रॉक से, जिसे बोलते हैं शिलाजीत। शिलाजीत बेसिकली एक ब्लैक कलर का स्टोन रहता है जो हिमालय के रॉक से मिलता है, और ये हम लोग यानी हमारे पूर्वज बहुत सालों से अपनी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए यूज करते आ रहे हैं। एंड दिस कंपनी कपिवा शिलाजीत को वहां से लेती है, इसकी इंप्यूरिटीज को क्लीन करती है विदाउट मिक्सिंग एनी आर्टिफिशियल फ्लेवर, इसे एक सेमी सॉलिड फॉर्म में यानी कि रेजिन फॉर्म में बनाती है। गाइस, कपिवा के प्रोडक्ट बेस्ट है, प्योर है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। इसके सारे डिटेल्स आपको बॉक्स के अंदर भी मिल जाएंगे। कुछ दिनों से मैं भी इसे यूज कर रहा हूं। इसका लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आप इसको वार्म वाटर के साथ या फिर वार्म दूध के साथ ले सकते हो, और इसको लेना है आपको एक मटर के दाने जितना, और ये बहुत ही इजीली मिक्स हो जाता है। और इसको आप ले सकते हो बिटवीन द मील्स, और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको आपको लेना है सोते समय, तो एक या दो वीक में आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे नहीं, कम से कम 4-6 वीक आप ट्राई करो, देन आपको इसके रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको भी कपिवा का शिलाजीत लेना है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके इसको बाय कर सकते हो। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेट की तरफ, जो रहेंगे डंबल के साथ। सो डंबल, सिटिंग डंबल तो हर कोई करता है, बट मैंने इसे बोला कि आपको अंदर का बाइसेप ज्यादा टारगेट करना है, तो उसके लिए आपकी पोजिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। सो आपको जस्ट वो चेक करना है कि हाउ टू टेक दैट पोजिशन एंड ट्रेन योर बाइसेप्स। सो ये हो गया आपका नॉर्मल जो आप रेगुलर मारते हो, जस्ट चेक इट आउट, इजी है, आप फ्रंट बाइसेप के लिए कर रहे हो, इसमें आपकी फोरम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। सो आपके फोरम सेकेंड टारगेटेड मसल हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट मसल हो जाएगा आपका बाइसेप, बट जैसे मैंने बोला कि हमें टारगेट करना है अंदर का बाइसेप, सो जस्ट ट्विस्ट करो आपके ट्राइसेप, बेंच को रेस्ट करो, देन टू दिस वे,
आपको जस्ट क्या करना है कि बॉडी ट्विस्ट करनी है, बट बैलेंस रखना इंपॉर्टेंट है। आप एक हाथ से यहाँ पे पकड़ सकते हो, आपने देखा रहेगा कि मैंने जस्ट पोजीशन चेंज की है, बट आपके अंदर वाले बाइसेप पे ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगा, बट आपका माइंड टू मसल कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ए बाइसेप भी मार रहे हो और आपका कॉन्सेंट्रेशन अगर आउटर बाइसेप पे रहेगा तो आपके आउटर बाइसेप भी ट्रेन होंगे। सो जैसे पोजिशन बदलते हो उस टाइम पे आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है इनर बाइसेप पे, ताकि वहीं पे आपका माइंड बैठ जाए, ब्रेन बैठ जाए और वो मसल ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाए। और जो मसल ब्रेकडाउन होता है वो डेवलप कब होता है, आपके डाइट और रेस्ट के बाद। सो इसके आपको करने हैं 3 सेट्स रिपीटेशन, जैसे मैंने बोला कि 12 से 15, राइट हैंड से 12 से 15 और लेफ्ट हैंड से 12 से 15, ऐसे आपको करने 3 सेट्स। सो इंस्टेड ऑफ प्रीचर कर आपको ये वेरिएशन बता रहा हूं, इसमें भी आपका सपोर्टिव एक्सरसाइज कुछ नहीं होगा, सपोर्टिव मसल कुछ नहीं होगा, आपके डायरेक्ट बाइसेप का पीक ट्रेन हो जाएगा। तो हम एक एड वेरिएशन कर रहे हैं इसमें, चौथा वेरिएशन, जिसमें आपके फोरआर्म्स, बाइसेप्स और आपको मतलब ओवरऑल बाइसेप और फोरआर्म भी कॉन्ट्रेक्शन उसका हो जाएगा और वो तीनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। सो आपके बाइसेप के साथ आपका फोरआर्म्स का ट्रेनिंग करना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के फोरआर्म्स वीक रहते हैं। सो आज बता दूं आपको मैं कि कॉम्बिनेशन में आप सेट कैसे परफॉर्म कर सकते हो। सिंपल, आपको फोरआर्म भी ट्रेन करने और बाइसेप भी करने। सो आपको हैमर पोजीशन में डंबल रखना है, लिफ्ट ट्विस्ट डाउन, लिफ्ट ट्विस्ट डाउन, 1 2 1 2, ये है आपका चौथा और लास्ट का सेट, जिसमें आपके फोरआर्म्स और बाइसेप दोनों मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये आपको सबसे लास्ट में ही करना है, क्योंकि अगर इसको आप पहले परफॉर्म करोगे तो आपके फोरआर्म्स ज्यादा वर्क में आ जाएंगे और वो अगर पंप हो जाएगा तो आपके बाइसेप के ऊपर बाद में कॉन्ट्रेक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो इसको आपका करना है सिर्फ 2 सेट्स, क्योंकि आपने पहले से ही आपका बाइसेप ट्रेन किया है। सो इसको आप 2 सेट में ही कीजिए, रिपीटेशन रहेंगे 12 से 15, बट ध्यान में रखिए 1 कंप्लीट 1 रिपीटेशन। जैसे लिफ्ट करो, ट्विस्ट करो, टेक डाउन, अगेन लिफ्ट करो, ट्विस्ट करो, टेक डाउन, दिस इज 1 रिपीटेशन। ऐसे आपको करने हैं 12 से 15 सेट्स करने हैं 2। सो गाइस, ये था हमारा पूरा हाउ टू ग्रो योर आर्म्स। ये वेरिएशन आप ऐड करके देखो और 1 या 2 वीक में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम 1 महीने के लिए या फिर 6 से 8 वीक के लिए आप इसको आपके वर्कआउट रूटीन में बढ़ाइए जब आप बाइसेप्स ट्रेन करते हो तो। सो डू दिस एज योर बाइसेप रूटीन एंड देन आप मुझे बताना कि आपको कितने रिजल्ट मिले, या फिर आपको कुछ इसमें डाउट्स रहेंगे तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। सो गाइस, हमेशा की तरह एक वर्कआउट अपना खत्म हो गया, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।